सुप्रभात, नया दिन नई शुरुआत। मैं प्रीति पाठक, दी ऑर्बिस स्कूल की हिंदी अध्यापिका, आज से ऑनलाइन हिंदी की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। आज की परिस्थिति जिसने हमें ऑनलाइन के माध्यम से सीखने और सिखाने का अवसर दिया, आइए इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। हमारी साहित्य की पुस्तक जिसका नाम अभिलाषा है, उसका पाठ एक देश हमारा, यह एक देशभक्ति की कविता है। इस कविता के कवि का नाम निरंकार देव सेवक जी है। आइए कविता सुनते हैं, फिर उसका हम अर्थ समझाएंगे, उसके बाद कविता से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कविता देश हमारा। कितना प्यारा देश हमारा, इसे प्रकृति ने खूब संवारा। हम इसके गुण गाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। सिर पर मुकुट हिमालय है, देश नहीं देवालय है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई भाई। हम में है अलगाव नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं। देश हमारा न्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। कवि निरंकार देव जी ने बड़े ही सरल और आसान शब्दों में कविता की रचना की है। हम इसका अर्थ आपको समझाते हैं। कविता की पहली दो पंक्ति, कितना प्यारा देश हमारा, इसे प्रकृति ने खूब संवारा। जैसे इसके आसान शब्दों से आपको पता चल रहा है, हमारा देश कितना सुंदर और प्यारा है, इसे प्रकृति ने खूब संवारा। अर्थात नेचर, कुदरत ने, प्रकृति ने हमारे देश को बहुत सुंदर सजाया है। अनेकों पहाड़, नदियां, तालाब, हरियाली, पेड़ पौधों से भरा हुआ हमारा देश है। कविता की अगली पंक्ति, हम इसके गुण गाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। अर्थात हमें हमेशा अपने देश के भलाई के बारे में बात करनी चाहिए और इसे स्वर्ग यानी जन्नत के समान समझना चाहिए, जहाँ पे कोई भी बुराई नहीं है, हर तरफ अच्छाई अच्छाई है। कविता की अगली पंक्ति, सिर पर मुकुट हिमालय है, देश नहीं देवालय है। जैसा आप सभी को पता है, हमारे भारत देश के सबसे ऊपर उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, जो कि मुकुट के समान एकदम गर्व से खड़ा है। देश नहीं देवालय है, देवालय यानी देव का स्थान यानी मंदिर। हमें अपने देश को मंदिर के समान समझना चाहिए, जहाँ पे किसी बुराई की कोई जगह नहीं है, हर तरफ अच्छाई अच्छाई। कविता की अगली पंक्ति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई भाई। अर्थात हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक जाति के लोग बड़े प्यार से रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब में बड़ा प्रेम है। कविता की अगली पंक्ति, हम में है अलगाव नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं। अर्थात हमारे मन में हम सभी धर्म, हम सभी जाति के लोगों में कोई भेद की भावना नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अलग होने की भावना नहीं है, हम सभी बड़े प्रेम से रहते हैं। कविता की अगली पंक्ति, देश हमारा न्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। अर्थात हमारा देश बहुत प्यारा है, हमारा देश हमें अपनी जान, हमारे जीवन से भी प्यारा हमें अपना देश है। तो कैसी लगी कविता? कितनी आसान और सरल और सुंदर कविता। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा देश महान है, हमें अपने देश को महान बनाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। इस कविता में किसके बारे में बात की जा रही है? इस कविता के रचयिता यानी कवि का नाम क्या है? यह कविता आपको कैसी लगी? इस वीडियो के साथ एक वर्कशीट आपको अपलोड की जाएगी, आपके साथ एक वर्कशीट अपलोड की जाएगी जिसमें ऐसे ही कोई प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ शब्दों के अर्थ पूछे गए हैं, कुछ रिक्त स्थान हैं जिन्हें आपको जरूर भरना है। आपसे गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है, आपसे निवेदन है कि आप वो वर्कशीट जरूर पूरी करें। ऐसे ही हम अगली कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।